तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो। इसमें कहता है कि एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है ना। फाइंड द एक्सलेशन ऑफ पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। और देखो, अर्थ की रोटेशन की वजह से जो इक्वेटर पर पार्टिकल है तो उसका एक्सलेशन कितना होगा। एक्सलेशन उस पार्टिकल का ध्यान रखना है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, अपेरेंट जी की नहीं बात कर रहा है। यहाँ पर कोई पार्टिकल है वो ये बात कर रहे हैं कि एम मास का पार्टिकल है, तो ये अगर अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है, ऐसे अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है, तो इस पार्टिकल के पास सेंटर की तरफ एक एक्सलेशन होगा और वो है सेंट्रिपिटल एक्सलेशन। तो हमें ये वाली निकालनी है। तो सेंट्रिपिटल एक्सलेशन की वैल्यू क्या होती है? तो सेंट्रिपिटल एक्सलेशन की वैल्यू होती है आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब आर ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई टी और का स्क्वायर। तो फाइनली ये बनेगा आर और यह आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर टाइम पीरियड का स्क्वायर। तो ये वाली उस पार्टिकल की एक्सलेशन होगी ड्यू टू जो आर डिस्टेंस पे है सर्कल के सेंटर से और जिसका टाइम पीरियड टी है। तो अब यहाँ से जो डेटा गिवेन डेटा है, जो गिवेन है, जो दिया हुआ है, उसको लिख लेते हैं प्यारे बच्चों। कहता है कि डायमीटर डायमीटर जो डाइम तो रेडियस हो जाएगा, डायमीटर का आधा हो जाएगा, हाफ ऑफ द डायमीटर। तो जो रेडियस अपनी आ जाएगी वो देखो 128 है, तो रेडियस 6400 इतना किलोमीटर आ जाएगा। और दैट इज 6400 इंटू 10 की पावर 3 मीटर आ जाएगा। दिस इज द रेडियस, ये आ जाएगा। तो टाइम पीरियड जो टी आ जाएगा तो हो जाएगा 24 आवर्स। तो टाइम पीरियड आएगा 24 आवर और ये 3600 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दें तो इतना सेकेंड आ जाएगा टाइम पीरियड। तो ये सारी वैल्यू ले जाके यहाँ रख दोगे तो फाइनल सोल्यूशन डन हो जाएगा। तो चलो इसको रख देते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं रखूँ तो एक्सलेशन की जो वैल्यू है वो रेडियस आ जाएगी 6400 किलोमीटर और मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3 मीटर और 4 पाई 3.14 का स्क्वायर एंड डिवाइड कर दूँ टाइम पीरियड का स्क्वायर। टाइम पीरियड कितना है? तो टाइम पीरियड है 24 इंटू 3000, ये इतना का स्क्वायर। तो फाइनली जब ये कैलकुलेट करोगे तो इस एक्सलेशन की जो वैल्यू आ जाएगी, फाइनली वी कैन कैलकुलेट इट, तो याद आ जाती है 0.0336 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन जो है वो सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। हर पॉइंट पे ये जो पार्टिकल है कभी यहाँ पर होगा, लेकिन इस एक्सलेशन का डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रिपिटल एक्सलेशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।